झबरेड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए उनकी मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा झबरेड़ा के रॉयल वेंकट हॉल से शुरू हुई, जिसका समापन किसान चौक पर हुआ है। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी किसान और चौक पर मंदिरों में जाकर मत्था टेका है। मत्था और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में भगवानपुर के विधायक ममता राकेश, झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जत्थी के साथ में पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी भी शामिल हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी समय है, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री हाउस पूछ के वक्त में ये फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे और ये ज़िले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ से शुरुआत की और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, प्रति बीघा 1100 के बजाय 10,000 की जाए और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये पर क्विंटल से अधिक होना चाहिए और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ़ होना चाहिए और कर्ज पर ब्याज माफ़ होना चाहिए। 2024 को लेकर क्या तैयारी? 2024 अभी 7-8 महीने दूर है और वो पार्टी कर रही होगी। हम तो संघर्ष के दीवाने हैं और संघर्ष